हनबल पहलगाम रोड पर अक्कड़ के मुकाम पर फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से कई साल पहले एक बहुत बड़ी ही खूबसूरत और दिलफरेब जगह पर एक पब्लिक पार्क बनाई गई। तरह तरह के फूल लगाए गए हैं और तरह तरह के पेड़ इसमें लगाए गए हैं ताकि जो भी सैलानी चाहे बाहर के हो चाहे हमारे कश्मीर के हो यहाँ के दिलफरेब मनाजिर में खुशी खुशी यहाँ पे अपने चंद लम्हात गुजारे। लेकिन सितम ज़रीफ़ी की बात यह है कि फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से यहाँ पे एक दर्जन के करीब डस्टबिन्स लगाए हैं, लेकिन जो भी यहाँ पे हमारे लोकल्स कहेंगे या बाहर के कुछ सैलानी आते हैं कोई भी इन डस्टबिन्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा। बहुत ही खूबसूरत और नायाब जगह है, यहाँ पर तरह तरह के फूल है, पेड़ है, बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ पर। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर लोगों ने बहुत ज्यादा गंदगी फैलाई है। डस्टबिन वैसे तो आग दर्जन डस्टबिन मैक्सिमम, मगर लुख ना तरह सर डस्टबिन में, अगर डस्टबिन क्लोज बिहित सर पथ तरह लड़ तरह बंडस कुछ कल क्या। डस्टबिन के बावजूद लोगों ने यहाँ पर बहुत सारी गंदगी फैलाई जिसका ये व्यू है बहुत ही ज्यादा खराब होता है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ जो भी यहाँ पर आए, यहाँ पर डस्टबिन लगे हुए हैं, प्लीज उनका इस्तेमाल कीजिए। ऐसा अमे गलत तस्वूर पे अगर मतलब नबरम टूरिस्ट ये चाहे लोकल ये इंटरनेशनल ये तम मतलब वुशत कुल मन दुकान लुख शर्म ग मेहरबानी कर डस्टबिन यूज। मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि यहाँ पर जो डस्टबिन है उनका यूज किया जाए, जिसकी वजह से ये बड़ी खूबसूरत जगह जो है ये दिन ब दिन बड़ी खराब हो रही है। अगरचे यहाँ के मुलाजिम अनथक कोशिश कर रहे हैं कि इस जगह को साफ करने के लिए, लेकिन अगली ही सुबह जब वो यहाँ आते हैं तो बिल्कुल वही गंदगी बपा होती है सारी जगह। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम कश्मीर लाइफ की तरफ से भी रिक्वेस्ट करते हैं लोगों से कि इन जगहों को बनाने में काफ़ी पैसा लगता है, टैक्स पेयर का पैसा लगता है, और आप इन जगहों को खूबसूरत रखें, इसमें हमारी खूबसूरती। अक्कड़ पार्क से कश्मीर लाइफ के लिए मैं शेख लाल।